नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आपकी प्रिपरेशन में मदद करने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक औसम लेक्चर हमारे करंट अफेयर की सीरीज में। आज की सीरीज में दोस्तों हम बात करेंगे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स के बारे में, और ये अगस्त महीने के ऊपर दोस्तों हमारा पहला पार्ट है। अगस्त महीने के ऊपर टोटल मैं 4 पार्ट बनाऊंगा। आज के पार्ट में मैं बात करूंगा आपसे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। अगस्त महीने से जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स तो इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये जो लेक्चर सीरीज है या ये जो लेक्चर है, इसकी मेन और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन हो सके और आप अच्छे से इनको रिवाइज कर सकें और याद कर सकें। प्लस इसके ऊपर मैंने अगस्त महीने के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बनाए हैं, तो आप वहां से उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो प्लीज डू इट। नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। दोस्तों ये जो लेक्चर सीरीज है, इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज एस्पायरेंट हु इज एस्पायरिंग फॉर यूपीएससी और एसएससी और स्टेट पीएससीज और बैंक एग्जाम्स। आप अगर किसी भी एग्जाम वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इन लेक्चर्स को देख के लाभ उठा सकते हैं। यहां पे जो करंट अफेयर्स हैं मैंने फैक्चुअली कवर किए हैं और कोशिश की आपको एग्जाम पैटर्न के से अवगत करवाया जा सके। दोस्तों यहां से आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता, मैंने मैनेट भोपाल से ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैंने दोस्तों 2 बार यूपीएससी एग्जाम भी लिखा है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपने एक्सपीरियंस अपनी नॉलेज से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ करवा सकूं। उम्मीद करता हूं आपको इनसे काफी मदद मिलेगी। नाउ लेट्स हेड ऑन टू दी टुडेज करंट अफेयर। वील स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर विद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर या करंट इवेंट्स के बारे में, और उसके अलावा बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि ओवरऑल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लेक्चर हमारे जो एग्जाम्स हैं उनके लिहाज से। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो अगस्त महीने से रिलेटेड है। सबसे पहला इवेंट जो अगस्त महीने में घटित हुआ, दैट इज एशियन गेम्स 2018, एशियन गेम्स 2018। तो जो एशियन गेम्स हुए थे 2018 वाले, ये अगस्त से लेकर कुछ सेप्टेंबर के महीने तक चले थे। इनके रिलेशन में कुछ हम इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। 2018 में हुए जो एशियन गेम्स थे, ये हुए थे आपके इंडोनेशिया में, ठीक है। और इसलिए एशियन गेम्स का दूसरा नाम जो कि है जकार्ता पेलमबेंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। 2018 वाले एशियन गेम्स को इंटरप्रेट किया जाता है जकार्ता पेलमबेंग के नाम पे। ये 18वें एडिशन के एशियन गेम्स थे, मतलब जो एशियन गेम्स की श्रृंखला है उसमें ये 18th नंबर के गेम्स थे। इसको होस्ट किया गया था इंडोनेशिया के द्वारा। इसका मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया। इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिहाज से, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इसमें टोटल 45 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो इसका मेस्कॉट था वो था भिन भिन अटुंग एंड काका। क्या क्या है भिन भिन? भिन भिन एक चिड़िया का नाम होता है, तो भिन भिन इसका एक मेस्कॉट था, दूसरा था अटुंग, और तीसरा था अटुंग जो है वो एक डियर होती है, और काका जो है वो एक राइनासोरस होता है। तो ये 3 एशियन गेम्स 2018 के मेस्कॉट थे। अब यहां पे मेस्कॉट की बात चली है तो आपको पता है 2018 में फीफा गेम्स भी हुए थे, फीफा फुटबॉल, ठीक है। तो फीफा 2018 के आप ये बताइए मेस्कॉट का नाम क्या है, क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा, पहले एशियन गेम्स हेल्ड हुए थे न्यू दिल्ली में, इंडिया न्यू दिल्ली इन 1951, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से आपको क्या क्या याद रखना है, एशियन गेम्स 2018 जिसको जकार्ता पेलमबेंग के नाम से भी जाना गया, एडिशन था ये 18वां, इंडोनेशिया में होस्ट हुए थे और मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया, मेस्कॉट है भिनभिन, एटुंग, काका। पहले एशियन गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली में, इंडिया न्यू दिल्ली 1951। अब देखिए, अब जो इंफॉर्मेशन आएगी उसमें आपको क्या क्या चीजें याद करनी है वहां पर ध्यान देना। सबसे पहले तो नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखना। नीरज चोपड़ा एक इंडियन जेवलिन थ्रोअर है, जो डंडा फेंकने वाला स्पोर्ट नहीं होता है, कितनी दूर जाएगा आपका डंडा, तो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में इंडियन फ्लैग को लहराया था या लीड किया था, तो याद रखना नीरज चोपड़ा। उसके अलावा जो रानी रामपाल हैं, इन्होंने भी इंडिया के लिए ये फ्लैग बियरर थी, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान, रानी रामपाल और नीरज चोपड़ा याद रखोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इंडिया ने टोटल एशियन गेम्स 2018 में 69 मेडल्स जीते थे, कितने? 69 मेडल्स, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना, जिसमें से 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज थे।
अगर हम बात करें अब यहाँ पे कुछ प्लेयर और वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, इन्होंने कुछ लोगों ने गोल्ड मेडल जीता, किसी ने सिल्वर मेडल जीता, तो वो सब तो याद करना इम्पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि पेपर में ऐसा आएगा ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी किस चीज से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा स्पोर्ट। और अगर उसे और टफ बनाया गया तो ये भी पूछा जा सकता है ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो इसीलिए जैसे कि बजरंग पुनिया है, ये रेसलिंग से एसोसिएटेड है, इनको गोल्ड मेडल मिला था एशियन गेम्स के दौरान। उसके अलावा जो मेंस टीम के लिए रेगु इवेंट हुआ उसके दौरान सेपक टेकरो ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। तेजिंदर पाल सिंह जो है वो एक एथलीट है, ठीक है, और इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। तो अगर पेपर में आता है तेजिंदर पाल सिंह कौन है, ये एक एथलीट है। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर, बहुत अच्छे से जानते होंगे। नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के लिए फ्लैग बियर किया था, वो एक जेवलिन थ्रोअर है। स्वप्ना बर्मन जो है वो एक एथलीट है, और इन्होंने हेप्टाथलॉन इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। जिन दोस्तों को नहीं पता हेप्टाथलॉन इवेंट क्या होता है, इसमें एक्चुअली 7 इवेंट होते हैं, मतलब एक ही गेम के दौरान 7 चीजें करनी होती हैं आपको, जैसे कि रेस होती है, हाई जंप होता है, शॉट पुट होता है, फिर रेस होती है, फिर लॉन्ग जंप होता है, जेवलिन थ्रो होता है। तो स्वप्ना बर्मन जो है वो एक एथलीट है और इन्होंने हेप्टाथलॉन इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। ऐसे ही जैसे ट्रायथेलॉन होता है, ट्रायथेलॉन में 3 चीजें करनी पड़ती हैं आपको, आपको साइकिलिंग, फिर स्विमिंग और फिर मैराथन, ये 3 चीजें करते हो आप ट्रायथेलॉन में। जिनसन जॉनसन ये इंडिया के लिए क्या कहते हैं, धावक है, जिनसन जॉनसन। उसके अलावा राही सरनोबात क्या है, ये इंडिया की एक इंडियन शूटर है, ठीक है। तो राही सरनोबात शूटर है। विनेश फोगाट ये रेसलर है, कौन है, ये एक औरत, मतलब एक औरत का नाम है और ये एक क्या कहते हैं रेसलर है, ठीक है, विनेश फोगाट। तो बस आपको स्पोर्ट्स किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है वो याद होना चाहिए, और यही सारी चीज यहां पे लिखी हुई है, किसने किस में क्या कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। जैसे बजरंग पुनिया रेसलर, विनेश फोगाट रेसलर, सौरभ चौधरी शूटिंग, राही सरनोबात शूटिंग, स्वर्ण सिंह, दत्तू बब्बन भोकानल, ओम प्रकाश एंड सुखमीत सिंह, ये सारे रोइंग वाले इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा रोहन बोपन्ना एंड दिविज शरण, ये लॉन टेनिस में पार्टिसिपेट किया था। तेजिंदर पाल सिंह एंड तूर, ये क्या है, एथलीट है। उसके अलावा नीरज चोपड़ा एथलीट, मनजीत सिंह एथलीट, अरपिंदर सिंह एथलीट, स्वप्न बर्मन एथलीट, जिनसन जॉनसन एथलीट, एम आर पोवन्ना, सरिताबेन गायकवाड़, हिमा दास एंड वेश्मया, ये सारे एथलीट हैं। अमित पंगाल ये बॉक्सिंग, प्रणब वर्धन एंड शिवनाथ सरकार ब्रिज, ठीक है। तो प्लीज इन सारे प्लेयर्स के स्पोर्ट्स के बारे में अच्छे से याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये याद रखना 2018 एशियन गेम्स कहां पे हुए थे, इंडोनेशिया में, 18वें नंबर के हैं, टोटल 45 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, और इसके 3 मैस्कॉट हैं, एक मैस्कॉट का नाम है काका, एक का नाम है अटुंग और तीसरे का नाम है भिन भिन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये एक मिसलेनियस फैक्ट है, पर फिर भी आप जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको याद कर लो, एग्जाम में आने के ना के बराबर चांसेस हैं इसके। फोर्ब्स जो कि बहुत सारी लिस्ट निकालता है, उसी की एक लिस्ट आई थी, वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एक्टर्स या फिर स्पोर्ट्स वुमेन या एक्ट्रेस, तो उसमें देख लेते हैं ये सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स क्या है, कौन है, स्पोर्ट्स वुमेन कौन है, एक्ट्रेस कौन है। देखिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चेंज होती रहती हैं और ठीक है इनमें बार बार चेंज आते रहते हैं, तो इसीलिए ऐसे चीजों के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है, पर फिर भी नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप जान सकते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा कॉस्टलीएस्ट एक्टर अगर देखा जाए तो जॉर्ज क्लोने। उसके अलावा अगर हम बात की जाए तो इंडिया से भी टॉप 10 की लिस्ट में 2 एक्टर आते हैं, एक अक्षय कुमार और दूसरे सलमान खान। उसके अलावा अगर हम बात करें स्पोर्ट्स वुमेन की, तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स वुमेन का नाम है सेरेना विलियम्स, 2018 के लिए सेरेना विलियम्स टॉप कॉस्टलीएस्ट या सबसे ज्यादा रुपए कमाने वाली स्पोर्ट्स वुमेन है, ठीक है। इसमें हमारी कुछ इंडियन प्लेयर्स के भी नाम आए हैं, जैसे कि पीवी सिंधु, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस के, मतलब जो एक्ट्रेस होती है ना हीरोइंस, अगर उनकी हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पेड एक्ट्रेस में अगर नाम है तो वो है स्कारलेट जॉनसन, ठीक है। तो प्लीज इनको याद रखना, तो बस यहां से इतना ही याद रखने की जरूरत है और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, जिनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, क्या नाम है, स्कॉट मॉरिसन,
ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने। एक्चुअली क्या हुआ था, जो अभी इनके इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर थे उनकी पार्टी में रिवोल्ट हो गया था, उसके बाद स्कॉट मॉरिसन बने। ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो ये 7वें प्राइम मिनिस्टर हैं 11 साल के भीतर, और इनसे पहले कौन प्राइम मिनिस्टर था, मेलकॉम टर्नबुल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने। ठीक है, तो आप इमरान खान को जानते हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान टीम के लिए खेलते थे ये, और अब ये पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, और इनकी पार्टी का नाम अगर चाहो तो याद रख सकते हो, इनकी पार्टी का नाम है तहरीक-ए-इंसाफ, तहरीक-ए-इंसाफ। उसके अलावा अगर पाकिस्तान के हम प्रेसिडेंट का नाम देखें तो वो है ममनून हुसैन। उसके अलावा ये पाकिस्तान की 15वीं नेशनल असेंबली है, 15वीं नेशनल असेंबली। बस यही फैक्ट आपको यहां पे याद रखने होंगे। अब हम आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन, आप जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक इंडेक्स निकाला गया जिसका नाम है ई गवर्नमेंट इंडेक्स, ई गवर्नमेंट इंडेक्स। तो सबसे पहले तो यही याद रखना, ई गवर्नमेंट इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन। इस इंडेक्स के द्वारा अगर देखा जाए तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 96th। ठीक है, इंडिया की जो रैंकिंग है 96th, और इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ई गवर्नमेंट इंडेक्स है तो नॉर्मली ये कंट्रीज को रैंक करती होगी अकॉर्डिंग टू देयर स्टेप्स टेकन इन द फील्ड ऑफ ई गवर्नेंस। इंडिया की अगर बात की जाए तो इस बार इंडिया ने इस इंडेक्स में 22 प्लेस की छलांग लगाई है, 22 प्लेस की छलांग लगा के 96th नंबर पे आ गया है। ठीक है, उसके अलावा डेनमार्क ने टॉप किया है। इसमें जो रैंकिंग होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है, 1 यानी हाईएस्ट, 0 यानी लोएस्ट। ये जो ई गवर्नमेंट सर्वे है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर 2 साल में एक बार लॉन्च किया जाता है। 2018 वाले एडिशन का टाइटल था गियरिंग ई गवर्नमेंट टू सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट सोसाइटी। गियरिंग ई गवर्नमेंट टू सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट सोसाइटी, ये 2018 के एडिशन का नाम है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये आप प्लीज याद रखना, क्या यूनाइटेड नेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है ई गवर्नमेंट इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 96th, टॉप किया है डेनमार्क ने। एप्पल जो है, आप जानते होंगे एप्पल के फोन आते हैं, आईपैड आता है ना, लैपटॉप्स आते हैं, तो एप्पल जो है दुनिया की इतिहास में पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसका एवेल्यूएशन है $1 ट्रिलियन का। $1 ट्रिलियन, मतलब इतना तो यार बहुत सारी कंट्रीज का नहीं होता है जितना इस कंपनी का है। एप्पल जो है वो यूएस बेस्ड एक कंपनी है और इसका मार्केट वैल्यू आज के टाइम पे $1 ट्रिलियन। इसको 4 डिकेड पहले को फाउंड किया गया था किसके द्वारा, स्टीव जॉब्स के द्वारा, स्टीव जॉब्स के द्वारा। तो प्लीज याद रखना। अगर हम बात करें एप्पल के सीईओ की, तो एप्पल के सीईओ कौन है, टिम कुक। आज के टाइम पे जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है टिम कुक। इज दैट क्लियर? और को फाउंडर का नाम है स्टीव जॉब्स। आगे चलते हैं। अभी जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे अगस्त महीने में, तो यहां पे जो नए प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है इमरसन इमरसन मनांगागुआ। ठीक है, ये मनन गागुआ, इमरसन मनन गागुआ। बाकी आप इसको कुछ अलग तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, बिकॉज अफ्रीकन नेम है, तो जो मुझे बेहतर लगा मैं उस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं, इमरसन मनन गागुआ। ये जो है ये जिम्बाब्वे के नए या फिर इनकमबेंट या करंट के प्रेसिडेंट बन गए, तो प्लीज इनका बस इतना सा ही नाम याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। उसके अलावा नासा जो है, आपको पता होगा नासा जो है एक स्पेस एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, जैसे हमारी इसरो है ना, वैसे ही यूएस की है नासा। तो नासा ने इंडियन ओरिजिन की सुनीता विलियम्स को सिलेक्ट किया है 9 एस्ट्रोनॉट्स के बीच में, मतलब उसने 9 एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट किए थे, उनमें से एक सिलेक्ट किया है सुनीता विलियम्स को, और सुनीता विलियम्स इंडियन ओरिजिन की महिला हैं। इनको सिलेक्ट किया गया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए। देखिए, वैसे तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पहले भी जा चुकी हैं, लेकिन नासा का एक प्रोग्राम है बोइंग प्रोग्राम, जिसके तहत कुछ लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा 2019 के बीच में कभी। ठीक है, तो इसमें सुनीता विलियम्स को सिलेक्ट किया गया है। अब इसमें एक तो ये बात याद रखना, दूसरी जो बात याद रखनी है, पेपर में यह आ सकता है बोइंग CST-100 स्टार लाइनर, ये किसका प्रोग्राम है, तो याद रखना नासा का। ऐसे ही स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल, ये किसका प्रोग्राम है, नासा का है। इसके दौरान क्या किया जाएगा, ह्यूमंस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। बाकी डिटेल और जो बाकी लोग जा रहे हैं उनके नाम आप देख सकते हो, पर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये।
जापान जो है, जापान ने चाइना को ओवरटेक कर दिया है एज अ वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट स्टॉक मार्केट। जैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट है ना सेंसेक्स या फिर बीएससी, उसी तरीके से दुनिया अलग अलग दुनिया मतलब अलग अलग जो कंपनी कंट्रीज होती है उनके अलग भी स्टॉक मार्केट्स होते हैं। तो जापान का जो स्टॉक मार्केट है उसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो उसने चाइना को क्रॉस कर लिया है। दुनिया के सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट तो है यूनाइटेड स्टेट का, उसके बाद दूसरे नंबर पे अब आ गया है जापान, तीसरे नंबर पे है चाइना। एक्चुअली ये सब चाइना जो पीछे आया है उसके पीछे मेन कारण ये है, चाइना और यूएस के बीच में हो रहा ट्रेड वॉर। आपको पता होगा कि यूएस के जो नए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए चाइना से आने वाले प्रोडक्ट पे, तो उसके बाद चाइना ने उनके ऊपर लगा दिए टैरिफ्स, तो इससे एक ट्रेड वॉर छिड़ गया है। और इसी के कारण चलते हुए चाइना का जो स्टॉक मार्केट है वो अब सिर्फ 6.09 ट्रिलियन डॉलर का रह गया है, जबकि जापान का जो स्टॉक मार्केट है वो है 6.17 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर हम यूएस के जो यूएस का स्टॉक मार्केट है वो दुनिया का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, और उसकी अगर हम लोग देखें कितना ही मार्केट वैल्यूएशन है तो वो है 31 ट्रिलियन डॉलर। क्लियर। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो ये है, जापान ने 73rd एनिवर्सरी बनाई है हिरोशिमा और नाकाजाकी पे जो एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए थे यूएस के द्वारा। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को के दौरान अमेरिका ने जापान के ऊपर दो न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किए थे। उनके नाम क्या है पहली बात तो ये पता होना चाहिए, एक का नाम है लिटिल बॉय और दूसरे का नाम है फैट मैन। लिटिल बॉय जो है वो हिरोशिमा सिटी के ऊपर गिराया गया था और फैट मैन जो है वो नागासाकी के ऊपर गिराया गया था। लिटिल बॉय को अगस्त 6 को गिराया गया था और फैट मैन को अगस्त 9 पे गिराया गया था, और इसी के बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो खत्म हो गया था। तो प्लीज कौन से न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कहां पे ट्राई किए गए थे, जापान के ऊपर। जापान दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर कभी भी न्यूक्लियर हमला हुआ है, ठीक है। तो प्लीज याद रखना लिटिल बॉय एंड फैट मैन। अगर हम जापान के बारे में तो कुछ और जानने की कोशिश करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है शिंजो आबे। क्लियर। आगे चलते हैं, ऑस्कर अकेडमी जो है, आपको पता होगा ऑस्कर एकेडमी, ऑस्कर अवार्ड्स क्या होते हैं, तो इन्होंने अवार्ड्स की कैटेगरी में एक और नई कैटेगरी ऐड की है जो क्या है, पॉपुलर फिल्म्स के नाम पे दी जाएगी। मतलब एक नई कैटेगरी के अवार्ड सेट को एस्टेब्लिश किया गया है पॉपुलर फिल्म्स के नाम से, मतलब पॉपुलर फिल्म्स इसमें सिलेक्ट होंगी, ठीक है। तो पॉपुलर फिल्म्स जो है, पॉपुलर फिल्म आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन पॉपुलर फिल्म वाला जो अवार्ड है ये एस्टेब्लिश किया गया ऑस्कर अकेडमी के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा ये जो ऑस्कर अकेडमी है इसका पूरा नाम क्या है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। ये जो है 17 साल बाद इस अकेडमी के द्वारा कोई एक नई कैटेगरी ऐड की गई है। लास्ट कैटेगरी ऐड की गई थी बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म। अगर हम बात करें ऑस्कर अकेडमी के प्रेसिडेंट का नाम तो वो है जॉन वेले। क्या है नाम, जॉन वेले। इज दैट क्लियर। अच्छा अब आपको एक बात बतानी है कि ऑस्कर अकेडमी में कितने अवार्ड्स या कितनी कैटेगरीज हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आप बताइए 23, 24, 25 या 26। पेपर में आएगा एज पर 2018 हाउ मेनी अवार्ड्स कैटेगरीज आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय ऑस्कर अकेडमी। और लेटेस्ट, अगर लेटेस्ट की बात की जाए तो वो है पॉपुलर फिल्म्स, पॉपुलर फिल्म्स वाली कैटेगरी ऐड की गई है। प्लीज जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, जो मकाऊ है वो कतार को ओवरटेक कर देगा एज अ वर्ल्ड रिचेस्ट प्लेस के तौर पे बाय 2020, मतलब 2020 आते आते तक जो मकाऊ जो कि एक चाइना की सिटी कह लीजिए वो है, वो कतार को ओवरटेक कर देगी एज अ वर्ल्ड रिचेस्ट प्लेस। ये बात पता चली है हमें एज पर द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक वर्ल्ड लेवल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम से डील करती है। तो इसके हिसाब से यह पता चला है कि जो मकाऊ है चाइना में वो ओवरटेक कर देगा ऑयल रिच कतार को विद द हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी ऑफ एनी कंट्री और ज्यूरिस्डिक्शन ऑन अर्थ बाय 2020। अगर कोई पूछता है मकाऊ कहां पे है, तो मकाऊ चाइना में है। ये चाइना की सिर्फ इकलौती प्लेस है जहां पे कैसिनोस लीगल है, बस इतनी सी बात याद रखना। बीबीसी के द्वारा एक क्या कहते हैं, एक लिस्ट जारी की गई है वुमेन हु चेंज द वर्ल्ड। वुमेन मतलब औरतें जिन्होंने दुनिया बदल दी, ये इस नाम की एक लिस्ट लॉन्च की गई है और इसमें मैरी क्यूरी ने टॉप किया है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए जो मैरी क्यूरी है इन्होंने क्या काम किया था। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च की थी और इनको कैंसर भी हो गया था। तो जो मैरी क्यूरी के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की रिसर्च की गई थी,
इसीलिए इनको नंबर वन पे रखा गया है। ये ऐसी इकलौती महिला है, शी वॉज दी फर्स्ट पर्सन, मतलब ये ऐसी इकलौती पहली महिला है जिन्हों जिन्हें दो नोबल प्राइजेस मिले थे। उसके अलावा अगर टॉप 10 की लिस्ट में देखें तो आप ये नाम पढ़ सकते हैं, ठीक है, देख लेना। आगे अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है कि जो बियाना है वो वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी है और मेलबोर्न जो है वो सेकेंड बेस्ट सिटी है। ये बात पता चलती है हमें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है उसके द्वारा। तो आपको ये याद रखना होगा, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? ये करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। ये इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा पता चला है कि 2018 में बियाना जो है वो दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी के तौर पे उभर के आई है। दूसरे नंबर पे है मेलबोर्न, तीसरे नंबर पे है ओसाका, और उसके बाद अगर नीचे से बात की जाए तो सबसे नीचे है डमस्कस, डमस्कस, ठीक है। तो बस इसको याद रखना। असद कैसर, असद कैसर ये पाकिस्तान पार्लियामेंट के स्पीकर के तौर पे नियुक्त हुए हैं। आपको पता है वहां पे 15वीं नेशनल असेंबली इलेक्शन हुए थे जिसके बाद इमरान खान जो है वहां के पीएम बन गए हैं, और असद कैसर जो है वो पाकिस्तान पार्लियामेंट के स्पीकर के तौर पे नियुक्त हुए हैं। मारियो एब्दो बेनीतेज, ये नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा होगा, मारियो एब्दो बेनीतेज ये जो है मैंने आपको पहले भी बताया, ये पराग्वे के प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए थे और अभी इन्होंने शपथ ग्रहण की है अगस्त के महीने में। तो इसीलिए याद रखना, पराग्वे जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो मारियो एब्दो बेनीतेज जो है वो पैराग्वे के 50वें इंपॉर्टेंट 50वें प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। आगे चलते हैं, इब्राहिम बुबाकर कीता, इब्राहिम बुबर बुबाकर कीता जो है वो री इलेक्ट हो गए एज अ माली प्रेसिडेंट। क्या नाम है? माली के, जो माली एक कंट्री है अफ्रीकन कंट्री। तो यहां के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, नए प्रेसिडेंट की बात, तो ये बन गए हैं इब्राहिम बुबाकर कीता, ठीक है। स्पेलिंग क्या है? IBRAHIM, इब्राहिम बुबा, BUBA, बुबा कीता, और बुबा कर कीता, ठीक है। तो ये माली के प्रेसिडेंट बने हैं। माली के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो ये अफ्रीका की 8वीं लार्जेस्ट कंट्री है, पॉपुलेशन 18 मिलियन है, कैपिटल बमाको है, ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, तो ये याद रखना आप। ग्रीस जो है एग्जिट करेगा यूरो जोन बेलआउट प्रोग्राम को आफ्टर 8 ईयर्स। देखिए आपको मैं बता दूं, यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जिसका पार्ट है। तो अब क्या हुआ, इस यूरोपियन यूनियन में कुछ कंट्रीज हैं जो पिग्स के नाम से मशहूर है। पिग्स का फुल फॉर्म है पोर्चुगल, इटली, ग्रीस और ये स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये जो पांच ये चार कंट्रीज हैं, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या जो इकोनॉमी है बहुत ही ज्यादा खराब है, तो इनको सपोर्ट करने के लिए जो यूरोपियन यूनियन है उसने एक बेलआउट प्रोग्राम बनाया था। तो उस बेलआउट प्रोग्राम को अब ग्रीस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उससे बाहर निकल रहा है, तो ये वाली बात है। तो ग्रीस जो है, ग्रीस यूरोजोन बेलआउट प्रोग्राम से बाहर निकल रहा है। पेपर में पूछा जाएगा यूरोजोन बेलआउट प्रोग्राम क्या है, तो ये कुछ यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है और उनको बचाने के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया था। ग्रीस या फिर यूरोजोन बेलआउट प्रोग्राम से कौन ने एग्जिट किया है, तो याद रखना ग्रीस ने किया है। आगे चलते हैं, स्कॉटलैंड जो है वो दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बन गई है जो कि अपने स्टूडेंट्स को फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स देगी। स्कॉटलैंड दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जो फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट देगी टू ऑल स्टूडेंट्स इन अ बिड टू टैकल पीरियड पॉवर्टी। तो बस इतना सा याद रखना, कौन सी ऐसी कंट्री है जो फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट बांट रही है, दैट इज स्कॉटलैंड। जर्मनी जो है वो 990 करोड़ का लोन ऑफर कर रही है इंडिया को फॉर क्लीन गंगा मिशन। आपको पता होगा इंडिया में गंगा को साफ करने के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है, नेशनल गंगा मिशन, जिसके लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हाईएस्ट अथॉरिटी है और जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हेड करते हैं। तो इसी प्रोग्राम के लिए, क्लीन गंगा मिशन के लिए, जर्मनी ने 990 करोड़ का लोन देने का वादा किया है। तो अगर पेपर में पूछा जाता है क्लीन गंगा मिशन में कौन सी कंट्री इंडिया को सपोर्ट कर रही है या लोन दे रही है, तो जर्मनी है वो, ठीक है। ये जो क्लीन गंगा मिशन है इसका क्या क्या मेन मुद्दा क्या है? द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू रिड्यूस द इनफ्लो ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इन रिवर गंगा एंड इंप्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर।
तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारे सारे इंटरनेशनल अफेयर थे आज के लेक्चर में या जो अगस्त के महीने के वो सारे समाप्त होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल अफेयर्स के बारे में, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। आप दोस्तों इस लेक्चर को रिव्यू करना नहीं भूलना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा एंड वेदर आई शुड कंटिन्यू दिस सीरीज और नॉट। दूसरी चीज, जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे आप उनके प्लीज जवाब देना और मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा और आपने काफी कुछ सीखा भी होगा। दोस्तों अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उसके अलावा अगर दोस्तों कोई क्वेरी आती है तो प्लीज आप मुझे इस ईमेल आईडी पर या इस मोबाइल नंबर पर फोन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी भी किसी दोस्तों को, किसी फ्रेंड्स या किसी को व्यूअर को प्राइवेट वीडियोस देखने में के बारे में नहीं पता कि उनको कैसे देखना है, मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे देखनी है, तो वो लोग मुझसे इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, मैं उनको इन वीडियोस का एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों इस लेक्चर को रिव्यू करना ना भूलें कि ये बताएं ये लेक्चर आपको कैसा लगा या फिर इसमें मुझे और क्या ऐड करना चाहिए। एट लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी पेशेंटली। All the very best for your preparation. मिलेंगे next lecture में next month के current affairs के साथ. Till then, दस विदानियां.